आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और फिल्म का रिव्यू लेकर। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत आज ईद के मौके पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म भारत देखने के लिए दर्शकों ने एडवांस बुकिंग भी कर ली है, सीट फुल हो चुकी है। भाईजान के फैंस फिल्म भारत की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 100 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई है। भारत में सलमान खान और कैटरीना के अलावा सुनील ग्रोवर, दिशा पाटनी, जेके श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो फिल्म भारत में एक ऐसे इंसान की कहानी को दिखाया गया है जो कि अपने जीवन में कई तरह के पड़ाव को पार करता है। फिल्म में सलमान खान भारत नाम के शख्स की भूमिका निभा रहे हैं। सलमान खान कई लुक में इस मूवी में आपको नजर आएंगे। भारत जर्नी की शुरुआत सलमान खान के बुजुर्ग स्टेज से होती है, जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर भी साथ होते हैं। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भारत यानी सलमान खान के जिगरी दोस्त की भूमिका निभाते हैं। फिल्म की कहानी तो हमने आपको बताई, लेकिन सलमान खान का एक डायलॉग इसमें बड़ा मजेदार है, जिसे सुनकर हो सकता है आप यह मूवी देखने जाए। यह डायलॉग कुछ इस तरह है, 71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास पूरे की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी, अब उन्हें क्या बताएं? जितने सफेद बाल मेरे सिर और दाढ़ी में है, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। फिल्मों में अगर सॉन्ग्स की बात करें तो एक सॉन्ग है इश्क दी चाशनी, जिसमें सलमान खान कैटरीना के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। थिएटर में भीड़ तो काफी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पता चलेगा कि मूवी हिट है या फ्लॉप। तो ऐसे फिल्म रिव्यू लेकर हर रोज मैं आपके सामने हाजिर होती रहूंगी। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया और साथ ही साथ टैलेंटेड इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।